आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अडानी विल्मर ने खाद्य तेल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। तेल की वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट की वजह से मूल्य में कमी का ऐलान किया गया है। कंपनी फॉर्चून ब्रांड के तहत उत्पादों की बिक्री करती है। सबसे ज्यादा कटौती सोयाबीन तेल के दामों में की गई है। नई कीमतों वाली खेप बाजार में जल्द पहुंच जाएगी। इससे पहले धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की बिक्री करने वाली मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रान ऑयल के दामों में 14 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। कुछ दिन पहले खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल की कीमतों पर चर्चा के लिए 6 जुलाई को बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी खाद्य तेल कंपनियों से वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। सरकार के इस कदम पर सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी के कार्यकारी निदेशक ने कहा था कि पिछले एक महीने में खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों में 300 से 450 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा बाजारों में ये कमी देर से नजर आई है। वहीं कीमतों को नीचे आने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में कमी आने की उम्मीद है और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फॉर्चून सोयाबीन तेल के दाम 195 रुपये प्रति लीटर से घटकर 165 रुपये प्रति लीटर किए गए हैं। सूरजमुखी तेल के दाम 210 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 199 रुपये प्रति लीटर किए गए हैं। सरसों तेल का भाव अधिकतम खुदरा मूल्य 195 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 190 रुपये प्रति लीटर किया गया है। राइस ब्रान तेल की कीमत 225 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 210 रुपये प्रति लीटर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।